गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं दो दिन जा नहीं पाया क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रहे थे, बट आज से डेली आएंगे। तो इस वक्त 6:30 बजे अब मैं रेडी होता हूँ जिम के लिए, देन जिम चलते हैं। जिम पहुंच गए हैं, शुरू करते हैं। तो यार वर्कआउट खत्म हो गया वर्कआउट खत्म कर लिया, अब घर जाते हैं, डाइट वाइट लेंगे। ब्रो मेरा भी चलना। गाइस घर पहुंच गए हैं, अब ओट्स खाने का मन है तो आज मसाला ओट्स खाएंगे। चलो पहले लेकर आते हैं, घर तो पड़े नहीं। अजय ओट्स ले दे। और बोलो गाइस, पहले एक साइड अपन ओट्स रखते हैं और दूसरी तरफ मैं शेक बनाऊंगा। तो यार मैं बस सब ऊपर आ गया हूँ अपने रूम में, और मैं ना काफ़ी टाइम से ना एक मतलब थोड़ा टाइम पहले मैंने एक नॉवल लेके आया था, तो मैं सोच रहा हूँ वो पढ़ लूँ। मेरे को काफ़ी टाइम से टाइम ही नहीं लग रहा था उसको पढ़ने का, तो आज थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैं सोच रहा हूँ आज उसी को पढ़ लेते हैं। तो यार ये नॉवल लाया हूँ मैं, चलो फिर पढ़ते हैं। बस मैं मतलब खुद खरीद के लाया था, फ्रेंड से लेके आया था। गाइस इसका मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, देन अब देखते हैं डेली डेली पढ़ेंगे। अब एक साथ पढ़ूंगा तो मैं भी बोर हो जाऊंगा। तो बस 12 बज गई है, मैं तेगमन को लेके आता हूँ, देन देखते हैं कुछ खाना वाना खाएंगे। तेगमन को लेने जाना, मम्मी है तो लॉक लगा के जाना पड़ेगा, तो गर्म भूख पड़ी है, तो गर्मी इतनी है ऊपर से सीट इतनी गर्म हुई पड़ी है। ये देखिए मेरा घर, मैं ले आता हूँ। क्या है? मैं जा रहा हूँ, रेख और देख लो। थोल दोगे? हाँ। फिर बुलाओगे? हाँ फिर लेके आऊंगा। आ जाऊंगा बहुत गर्मी है यार, पसीने नहीं रुक रहे यार। मैं भी बिल्कुल जस्ट अभी अंदर से आया हूँ, तो अब खाना वाना खाते हैं, देन आराम करेंगे। चलिए देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया आज। यार मम्मी ने तो कुछ बनाया नहीं, तो मैं अंडे लेने जा रहा हूँ, आज अंडे खा लेंगे और क्या करें। चलो गर्मी बहुत है, एक तो अंडे लेके तो मैं आ गया, यार गर्मी बहुत ज्यादा है। अब ये बिंदी बिंदी दिखा अपनी बिंदी बिंदी सब खाना एक तरफ, आराम एक तरफ। हाँ हाँ, खाना वाना डन, अब आराम करते हैं, फिर उठेंगे, फिर नहाएंगे, डन देखते हैं क्या करते हैं। यार 4:15 हो गई है यार, मेरे को ना 4 बजे उठना था। चलो 15-20 मिनट लेट हो गए, अब नहा लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये भाजी तो अभी तक सोए पड़े हैं, फ़ोन चलाते चलाते ही सोए थे, ऐसे ही है फ़ोन चलाते रहते हैं। चलो मैं नहा लेता हूँ। यार नहा के तो मैं अब हो गया हूँ, तो चले थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, इसके साथ बैठ के टीवी देखूँगा, फिर मम्मी आएंगे, डन उसके बाद
चलते हैं कहीं घूम फिर के आएंगे। पीछे पूरी जगह पड़ी है इसको, फिर भी ये बिल्कुल आगे बैठ के देखने देखने, तो ये इसके नाटक नहीं खत्म होते हैं। टैंक मैंने पीछे बैठ के देख ले, मेरी तो मानता भी नहीं। टैंक मन जानू से बात हुई है, जानू के पास जाता हूँ, देन उसको उठाते हैं, भूख लग रही है कुछ खा के आता हूँ। मन तो कर रहा है शेक पीने का, बाकी देखते हैं जानू क्या कहते हैं। चलो जानू फ्रेंड के घर पे अपने, तो यार अब किले पे आए हैं, जानू मेरे साथ हैं। अब हेमंत और भी तो मतलब मैसेज वैसेज आया था कि वो भी यहीं मिलेंगे, चलो देखते हैं। क्या हाल है समीर? बल्ले ठीक है तू? अपने तरह है सारे, अपने पास आए कहाँ है वो हेमंत तो है भाई साहब। ये देखिए ये भी ब्लॉग बना रहे हैं। अरे कुछ नहीं यार, वो ऐसे हाँ हो सकता है वो, बाकी तो देखा नहीं। तोड़ दे तोड़ दे सारे भाई। और हेमंत यहाँ से तो निकलने का टाइम हो गया, चलिए फिर निकलते हैं। जानू ऐसे कहानी सुना रहा है, जानू की कहानी सुनता हूँ फिर जा रहा हूँ, पका दिया जानू ने। देन अब इसके बाद मैं डायरेक्ट शॉप पे जाऊँगा, मैं आपसे रात को ही मिलूँगा। चलिए फिर तो गाइस सब सुनसान हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त बज चुकी है 12, बस एक कुत्ता ही है जो इंतज़ार कर रहा है। आपने ये देखा कि मैंने इस सदी का, वैसे तो दो सबसे मुश्किल काम होते हैं एक लड़के के लिए, एक बोटल्स भर के रखना फुल उसमें फ्रिज में, दूसरा कूलर में पानी भरना। तो कूलर में पानी मैंने भी भरा, आपने देखा बहुत मतलब। चलो तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सुबह मुझे जल्दी भी उठना है, थोड़ा सा मेरे को एक दो काम और भी हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं, टाटा।